गृह मंत्री अमित शाह ने कल विपक्ष के नेताओं को एक चिट्ठी लिखी और मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए उनका सहयोग मांगा। कहा, कुछ अदालती फैसलों और कुछ घटनाओं के कारण मई के महीने की शुरुआत में मणिपुर में हिंसा की घटनाएं घटी, उस पर अब राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया है। और उन्होंने कहा अपनी चिट्ठी में कि आपके पत्र में व्यक्त भावनाओं की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सदन में सरकार का रवैया असंवेदनशील और मनमाना है। नियमों और परिपाटियों को ताक पर रखकर विपक्ष को एक चाबुक से हांका जा रहा है। छोटी घटनाओं को तिल का ताड़ बनाकर सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। सत्ता पक्ष में बैठे लोग ही सदन की कार्यवाही को अवरुद्ध करते हैं। विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सदन के नेता बाधा डालते हैं। आसन और सदन की परंपरा की लगातार अवमानना हो रही है। प्रधानमंत्री देश के विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकवादी दलों से जोड़ते हैं, आतंकवादी गुटों से जोड़ते हैं। उसी दिन गृहमंत्री भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैये की अपेक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष को दिशाहीन बताना बेतुका ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। गृहमंत्री की कथनी और करनी में कितनी समानता रहेगी ये पूरा विपक्ष समेत देश भी देखेगा। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृहमंत्री के पत्र के जवाब में जो पत्र दिया है उसमें ये सब बातें लिखी हैं।